Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले. गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. सो टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज हैक्स टू कीप योरसेल्फ फिट एट होम. घर पे होम क्वारंटाइन, कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हो घर में रहते हुए, इसके बारे में आज बात करेंगे इन डिटेल. सो स्टडी राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन द क्लास एंड वंस वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल विद अस वी विल एंड द इंट्रो पार्ट एंड स्टार्ट विद द क्लास. करण गंगवानी, हाय करण. अजहर भाई, गुड मॉर्निंग. फर्स्ट, यस, फर्स्ट कॉमेंट इज फ्रॉम करण टूडे. सो 20 पीपल लाइव and people are still joining in. 25 hearts, so also press the hearts many many times. So are you guys done with your breakfast? What did you guys have for your breakfast today? So what is circuit training? I will answer your question, Karan. लेट इज वेट फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी इसका आंसर मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले. राइट, सो वी आर इन द फेज नाउ फॉर वेटिंग मोर पीपल टू ज्वाइन एंड वंस वी हैव द नंबर ऑफ पीपल आई विल आंसर योर दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, सो प्लीज आस्क. मालिक अर्जुन जी, हाय, गुड मॉर्निंग. श्री पवन, वेरी गुड मॉर्निंग. हाय अर्चना जी, how are you doing today? Srinivas, good morning. Can you share the link for exercise? Our home for strength training. Link ki aapko zarurat nahi hai Srinivas ji, you just have to open your Goki app and you can see the coach working out live with you and you can do it with them. राइट, सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक गोकी प्ले में बहुत सारी क्लासेस होती है जिसमें बहुत सारे वर्कआउट्स भी होते हैं. यू कैन डू इट लाइव. If not, then you can also click on a particular coach जो वर्कआउट करवाते हैं उनके प्रोफाइल पे क्लिक करके स्क्रोल अप करो. यू विल बी एबल टू सी ऑल द प्रीवियस क्लासेस एज वेल. उसमें से जो वर्कआउट आपको करना है वो कर सकते हो. पिलाटेस, जुम्बा, डांस, कोर एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस, डम्बल वर्कआउट, रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट, वाटर बॉटल वर्कआउट, होम एक्सरसाइज, सारी चीजें आप कर सकते हो. कल्पना शर्मा, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग. बहुत दिनों बाद. यस्टरडे मॉर्निंग क्लास वाज सर्किट ट्रेनिंग, राइट? यस, यू कैन से दैट इट वाज अ सर्किट ट्रेनिंग. श्रीनिवास, आर इज इक्वल टू एट, ओके, टाइपो, गॉट इट. फाइन साहब, आई एम ऑल्सो वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. अर्चना जी, आई फिनिश्ड माई बैक एक्सरसाइजेस, बाइसेप कर्ल्स विद रेजिस्टेंस बैंड, गुड, एंड वेट्स एट होम, पुल अप्स and push-ups with home weights as the gym closed today. Home workout and last plank variation too. Amazing. What was the maximum duration you could hold for the plank? Kitna der plank hold kiya aapne? Srinivas, hello. Sri Pavan had mixed vegetable opna. Okay, very nice. So 72 people live with 600 hearts. सो लेट एस प्रेस मोर एंड मोर हार्ट्स एंड जो जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं आप लोग भी कॉमेंट ड्रॉप कीजिए. शो मी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द क्लास. टू मिनट्स, ओके, नॉट बैड. टू मिनट्स इज गुड. अगेन डेफिनेटली इंक्रीज इट फर्दर. प्लैंक 1 मिनट, अच्छा, 1 मिनट प्लैंक आपने किया करण, गुड. सो लेट्स वेट फॉर 1 last minute एंड देन वी कैन स्टार्ट. यस सर, अभी सब घर पे है तो काम बहुत बढ़ जाता है, पूरा रूटीन भी चेंज. आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम ग्लैड यू ज्वाइन इन टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. आई स्टार्टेड प्लैंक्स विद 10 seconds इनिशियली, नाउ आई एम एबल टू डू इट. वाओ, दैट्स अ प्रोग्रेस विच यू आर लुकिंग फॉर, राइट? एंड यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड फर्दर. आप very soon I'm sure you will be able to do 2 minutes within no time and then 3 minutes. Progress karte rahiye then with variations, so you can always level up and raise the bar higher for your fitness, for your health. Good.
एग्जैक्टली सर, सो मच वर्क लोड. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अर्चना जी. सारे लोग घर में हैं तो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाता होगा. आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट. प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग. वन के हार्ट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू एवरी वन फॉर हिटिंग द हार्ट्स. इसी तरह प्रेस करते रहिए हार्ट. सो नाउ लेट अस एंड द एंट्रेंस, स्टार्ट विद द क्लास, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच द क्लास अगेन यू डोंट हैव टू वेट मच. यू कैन क्विकली स्किप द इंट्रो पार्ट एंड स्टार्ट विद द एक्चुअल कॉन्टेंट ऑफ द क्लास. तो इंट्रो हो गया एंड. या सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले. मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज हैक्स टू कीप योरसेल्फ फिट एट होम. राइट, कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन अबाउट कोरोना वायरस, लेट अस टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगले दो मिनट इस पे हम स्पेंड करते हैं टू टॉक अबाउट दैट एंड देन विल जम्प इन टू द टॉपिक अगेन. इट इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग एंड दैट इज वाई यस्टरडे वॉज अ वेरी वेरी बिग डे एंड यस्टरडे जनता कर्फ्यू था. आई एम श्योर कि सारे लोगों ने डेफिनेटली इसको फॉलो किया है और 5 बजे के टाइम पे क्लैपिंग और वेसल्स को बैंक करना सारी चीजें भी किया है एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटफुलनेस एंड थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, एवरी वन हु वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है, वो भी हमने किया. तो ये एक्चुअली ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत ही सीरियस इशू है. ठीक है, सुनने में तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल, छोटा सा एटम है, एक छोटा सा वायरस है, बट ये बहुत हजारों लोगों की जान ले चुका है ये ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड. एंड इंडिया बीइंग सो डेंसली पॉपुलेटेड, वी डोंट वांट इट टू स्प्रेड ओवर हियर. ठीक है, इटली अगर आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स, चाइना देखो, यूएस, हर जगह पे बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं. इंडिया में वी आर ग्रेटफुल, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, द नंबर्स आर नॉट सो हाई, बट स्टिल जितने भी हाई है, जितने भी नंबर्स है, दैट इज अ कंसर्न. राइट, उतनी भी नहीं होना चाहिए, जितना है उतना भी ज्यादा ही है हमारे लिए. इसीलिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था अभी भी. ठीक है, अभी भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, वर्क फ्रॉम होम ही लेना है. अननेसेसरीली तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है. एंड इसके अलावा कंप्लीट शटडाउन या कंप्लीट लॉकडाउन में रहिए, बिकॉज यू नेवर नो द पर्सन हु इज रोमिंग आउटसाइड विथ यू, या फिर जिनसे भी आप मिलते हो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्या वो अफेक्टेड है या नहीं, या फिर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं. डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांस. तो घर में ही रहो जितना पॉसिबल है, अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट इमरजेंसी केसेस है तो उसमें समझ में आता है, बट अननेसेसरीली बाहर नहीं निकलना है. इट इज ओनली गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर फैमिलीज हेल्थ. आपकी इम्यूनिटी हो सकता है स्ट्रांग हो, बट वो वायरस अगर घर में आ गया तो बाकी लोगों को भी ट्रबल कर सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स को. राइट, सो इसीलिए हमको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है. इनकेस बाहर जाके आप आ भी रहे हो तो अपना हाथ प्रॉपरली धोना है, प्रॉपर हाइजीनिक रहना है हमको. एंड बाहर जा रहे हो तो अगर आपको हल्का सा भी कोल्ड कफ जैसा लग रहा है, नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ द वायरस, बट जनरली जो कफ कोल्ड होता है तो उसमें भी आपको ख्याल रखना है, उसको बढ़ने नहीं देना है जरा भी. इमीडिएट प्रिकॉशंस आपको लेने, इमीडिएट रेमेडीज या मेडिकेशंस लेना है ताकि वो क्विकली क्योर हो जाए. और फिजिकल कॉन्टैक्ट तो अवॉइड ही कीजिए, फैमिली मेंबर्स से भी जितना हो सके उतना कम फिजिकल कॉन्टैक्ट रखिए फिलहाल के लिए, अनलेस अंटिल थिंग्स आर गेटिंग बेटर. राइट, तो इम्यून सिस्टम इज द ओनली थिंग विच कैन प्रोटेक्ट अस एंड ऑब्वियसली द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग विच वी हैव टू डू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट on the top level is our immunity. If our immune system is strong, nothing, no virus, no bacteria, no germ can harm us. ठीक है, तो किस किसने कल enjoy किया जनता कर्फ्यू? I'm sure कि सारे लोगों ने enjoy किया होगा and it is only for our health and our country's health and it is good for us as a nation. Right? So अभी भी ध्यान रखिएगा. अभी ऐसा नहीं कि कर्फ्यू एक दिन हो गया तो अभी फिर चलो बैक टू नॉर्मल, बाहर घूमो फिरो मत, अवॉइड करो उस चीज को. ठीक है, सो गाइस गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ, एक्सरसाइज हैक्स टू कीप योरसेल्फ फिट. क्योंकि अभी कर्फ्यू है या फिर लॉकडाउन है या फिर क्वारंटाइन है, यू आर एट होम, बट दैट डजंट मीन कि आपको बैठे बैठे या घर में रहते रहते आपको अनहेल्दी बन जाना है या सेडेंटरी बन जाना है. ओके, आपको घर में रहते रहते भी एक्सरसाइजेस करनी है, घर पे रहते रहते भी फिट रहना है. बिकॉज इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं, इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ती किससे? वन ऑफ द फैक्टर्स विच बिल्ड्स अप योर इम्यूनिटी स्ट्रांग इज एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो तो आपकी इम्यून सिस्टम नेचुरली ड्रॉप होता रहता है, डीप होता रहता है और वीक होता रहता है, विच वी नेवर एवर वॉन्ट. है ना, अ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम इज लाइक अ सोल्जर्स प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री बॉर्डर पे.
है ना, सोल्जर्स ही अगर वीक है, उनको खाना पीना प्रॉपर नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, तो कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? इसी तरह इम्यूनिटी हमारे बॉडी के सोल्जर्स आप समझिए हमको प्रोटेक्ट करती हैं जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरस से, वही अगर वीक हो जाएगी तो फिर बाहर तो कितने सारे हमारे वायरस बैक्टीरियाज के कम्युनिकेशन में हम आते ही रहते हैं, जिससे कि डिफिकल्टी हो जाएगी हमको, इलनेस सिकनेस हो सकती है। लेट मी गो थ्रू सम कॉमेंट्स एंड देन वी विल स्टार्ट। One of the women has done planks for 10 minutes in the gym Bangalore. She is representing in a fitness festival. She was, oh wow, very nice, 10 minutes, fantastic. She said you have to contract or engage apps for doing more times. Yes, true. Kalpana ji says, me, Sripa and myself, oh wow, you guys enjoyed the curfew with me. Karan, circuit training. Yeah, circuit training means a mixture of all the exercises. ठीक है, चाहे आप इसको तीन पार्ट में भी स्प्लिट कर सकते हो, या तो अपर बॉडी सर्किट, या फिर लोअर बॉडी सर्किट, या फिर फुल बॉडी सर्किट। अपर बॉडी सर्किट में आप अलग अलग मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो एक ही सेशन में, और आप लोअर बॉडी की बात करो तो लोअर बॉडी को करते हैं, और आप जब फुल बॉडी की बात करते हो तो फुल बॉडी सर्किट ट्रेनिंग आप करते हो, यानी कि अपर बॉडी लोअर बॉडी कोर सब मिक्स एक ही सेशन में आप जब करते रहो, कार्डियो स्ट्रेंथ सब एक साथ हो जाता है, जैसे कि आप जंपिंग जैक्स, स्क्वाट्स और प्लैंक्स। तो ये तीन चीज अलग अलग आपने किया, लोअर बॉडी के लिए भी, अपर बॉडी के लिए भी, कार्डियो के लिए भी, इसमें प्लैंक ऐड कर दो तो कोर भी हो, ऐसे मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइजेस इज सर्किट ट्रेनिंग। इसके ऊपर डिटेल में पूरी क्लास किया हुआ है मैंने, करण यू वुड वांट टू वॉच दैट। श्री पवन थम्सअप, अर्चना जी थम्सअप, पार्वती राव जी हेलो। श्री पवन सेज नॉट ओनली एक्सरसाइज न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट टू, येस, बट इफ यू ईट ऑल द गुड फूड बट इफ यू ब्लड सर्कुलेशन और इफ यू डोंट एक्सरसाइज वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कैसे होगा, यू नीड टू एक्सरसाइज फॉर दैट, राइट? टॉपिक एक्सरसाइज हैक्स टू कीप योरसेल्फ फिट। सो अभी आज की सिचुएशन में जिम्स सब बंद है, क्लब हाउसेस सब बंद है, आउटडोर आपको नहीं जाना है वर्कआउट करने, द ओनली ऑप्शन इज यू हैव इज होम वर्कआउट। होम वर्कआउट इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन फैक्ट, ठीक है, एंड आप खुद भी और अपने फैमिली मेंबर्स को भी अपने साथ वर्कआउट करवा सकते हो, ग्रुप वर्कआउट, कपल वर्कआउट सब कर सकते हो आप साथ में। बट इसके अलावा आपके आपको फिलहाल के आज के दौर पे मौका ढूंढना है एक्सरसाइज करने का, यू हैव टू फाइंड रीजंस टू एक्सरसाइज, ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि घर में जिम लेकर आ जाओ, डम्बल बाबल लेकर आ जाओ करो, नो, रीजंस टू स्टे एक्टिव, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम है तो ऑब्वियसली आप अपने बेड पे बैठ के या सोफा पे बैठ के या डाइनिंग टेबल पे बैठ के कहीं ना कहीं पे बैठ के काम करोगे, ऑफिस में फिर भी आप थोड़े से एक्टिव रहते हो कंपेरेटिवली, क्योंकि आपको मीटिंग्स के लिए कहीं भी जाना पड़ जाता है, या फिर आपको एक कलीग के पास जाना पड़ेगा इसलिए आप अपने चेयर से उठ के उसके पास जाओगे, या फिर लंच में आप दोनों या फिर फ्रेंड्स के साथ जाते हो, थोड़ा मूव करते हो, थोड़ा बहुत हिलते मिलते हो और थोड़ा बहुत चल लेते हो, ठीक है, मतलब आप इतना रियलाइज नहीं करते, फिर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो जाती है, उतना छोड़ दो, चलो इफ वी फॉरगेट अबाउट दैट, बट ऑफिस तक ट्रैवल करना और ऑफिस से वापस ट्रैवल करना, उसमें भी कम से कम थोड़ी फिजिकली एक्टिविटी हो जाती है। बट अभी आप टोटली घर पे हो, यानी कि घर से ऑफिस नहीं जा रहे हो, तो जो फिजिकली एक्टिविटी थोड़ी हो रही थी वो कट ऑफ हो गई, आप ऑफिस से घर नहीं आ रहे हो, उतना ट्रैवलिंग आपका एफर्ट्स बच रहा है, तो उतना आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। लंच ब्रेक में हो सकता है आप कलीग्स के साथ बाहर थोड़ा ग्राउंड लेने जाते थे, प्रमाइसिस में घूमते थे या उनके डेस्क पे जाते थे, वो नहीं हो रहा है, एक केबिन से दूसरे केबिन, एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक का आप जाते थे, बॉस के केबिन में, कलीग के केबिन में, यहां हुआ, वो नहीं हो रहा है। वाटर बॉटल फिल करने के लिए खुद उठते होंगे, वॉशरूम जाने के लिए खुद उठते होंगे, वो नहीं हो रहा होगा, बिकॉज घर में हो सकता है कि पॉसिबल है कि आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे हो, घर में एसी लगा के बैठ जाते हो, प्यास नहीं लगती है, काम में बिजी हो तो ध्यान नहीं जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जिस वजह से सेडेंटरी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं व्हेन यू वर्क फ्रॉम होम। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कभी लंच लेट हो रहा है, ऑफिस में कैसा फिक्स टाइम होता है कि 1 बजे का लंच होगा या इवनिंग स्नैक का परफेक्ट टाइम होगा, तो उस टाइम पे आप लंच करते हो और उसी टाइम पे आप स्नैक खाते हो, घर में वैसा नहीं है, जब खाना पक रहा है तब खा रहे हो, या फिर थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया, टाइमिंग मिसमैच हो गया। हो सकता है घर का खाना खा रहे हो बहुत टेस्टी है, थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा रहे हो, वो भी हो सकता है। स्नैकिंग आइटम हेल्दी नहीं हो पा रहा है, चिप्स खा लिए या कुछ खा लिए, ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसमें क्या हो रहा है, कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना खाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और कैलोरी बर्निंग कम हो रहा है, दैट मीन्स यू नॉट एबल टू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी जो होती थी ऑफिस आने जाने के टाइम पे और ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, वो उतनी नहीं हो रही, तो कैलोरी स्पेंडिंग कम हो रही है और कैलोरी इनटेक ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से क्या होता है, इस वजह से आपका वेट बढ़ सकता है, पेट बढ़ सकता है, फैट बढ़ सकता है, और ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूव नहीं होगा बिकॉज लेस फिजिकल एक्टिविटी हैपनिंग।
इसीलिए आई सेड यू नीड टू फाइंड आउट रीजंस टू एक्सरसाइज, यू नीड टू फाइंड आउट रीजंस टू गेट अप एंड मूव, यू नीड टू फाइंड आउट रीजंस टू डू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस, जिससे आपको बोर भी ना हो और आपकी इंटरेस्ट भी बना रहे और आप और आपके फैमिली मेंबर्स साथ में एक्सरसाइजेस कर सके, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम योर डेली एक्सरसाइज रूटीन, जो कि मैं बोलूंगा कम से कम 4 बार तो आपको करना ही है, 4 से 5 बार भी आप कर सकते हो इन द वर्स्ट के, अभी तो आप घर में हो, टाइम का कोई इशू नहीं है, यहां जाना है वहां जाना, 3-4 बार होएगा ही होएगा, 5 बार भी कर सकते हो, वर्स्ट के सिनेरियो 3 बार, इससे कम मत करो, बिकॉज इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, तो इसलिए 3 बार एक्सरसाइज आपको करना ही है ऑल्टरनेट डेज, इतना तो कम से कम यू हैव टू डू, ठीक है। ज्यादा नहीं, 20 to 30 minutes या 45 minutes तक भी आप जा रहे हो चलेगा, टाइम कम है तो 10 या 15 मिनट के लिए करोगे तो भी चलेगा, इतना टाइम यू हैव टू डेडिकेट टू योर सेल्फ, ठीक है, एंड ऑल्सो टू योर फैमिली, उनको भी साथ में करवाओ अपने साथ। तो एक बार आपने लेट से कि फंक्शनल एक्सरसाइजेस कर लिया, एक दिन आपने एब्स या कोर वर्कआउट कर लिया लोअर बैक और आपके एब्स के लिए कर लिया, एक बार आपने फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर कुछ और एक सेशन अगर और करना है आपको, तो आपके पास अगर रेजिस्टेंस बैंड है तो वो, घर में डंबल्स है तो वो, नहीं है तो कोई बात नहीं, वाटर बॉटल्स आप यूज कर सकते हो, वाटर बॉटल से करो, या फिर घर के ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बताया था हाउ टू यूज होम टूल्स टू गेट योर वर्कआउट डन, वॉच दैट क्लास इन डिटेल टू अंडरस्टैंड की क्या है, तो वो आप ऑब्जेक्ट्स लेके कर सकते हो घर में। ये 4 सेशन आपके हो जाते हैं, एक फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो गया, एक एब्स एंड लोअर बैक कोर हो गया आपका, एक फंक्शनल एक्सरसाइज हो गया और एक होम टूल एक्सरसाइज आपका हो गया, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इसके अलावा आप घर में हाउस होल्ड वर्क्स में भी अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, बट इतना अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो, सो दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी एंड आगे डिस्कशन करेंगे। How many exercises should we include in our 7 to 8 exercises you can include? Kalpana ji, thumbs up. All construction sites closed. Yes, my activities are get low. Only pending office work are going on. Yes, that's what happens. Work from home में थोड़ी physical activity कम हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह पे आप बहुत देर तक बैठे रहते हो, क्योंकि comfortable है तो office में कैसा, इतने comfortable आप नहीं होते हो, there are people around you, you have work from one person to another, आते जाते घूमते फिरते रहते हो, थोड़ा सा movement होता रहता है। घर में कैसा, बहुत comfortable है, पता है कोई अलग नहीं, कुछ नहीं, खाली अपना लैपटॉप है और अपन है, बस बैठे रहते हैं और बहुत सही काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है बट हेल्थ वाइज थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करना है। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो वर्कआउट करना ही है, 3 to 4 या फिर 5 times a week, अपार्ट फ्रॉम दैट सी इट इज, अच्छा थम्स अप मिल गया श्री पवन एंड अर्चना का, ठीक है। तो अब इट इज नॉट अबाउट द एक्सरसाइज विच यू डू, ठीक है, एक्सरसाइज करना तो जरूरी है, आधा घंटा आपने एक्सरसाइज कर लिया वेरी गुड, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट द 30 मिनट एक्सरसाइज एंड रेस्ट 23.5 hours यू हैव टू बी सेडेंटरी, ऐसा नहीं है, ये अगर आप करोगे तो दिस इज अगेन वेरी नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। यस एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बट बाकी के टाइम पे आप सेडेंटरी रह रहे हो उसका क्या, है ना। अब ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट टू सिट और रिलैक्स फॉर सो लॉन्ग, जो 8 या 7-8 घंटा सोते हो रात में उतना ठीक है, बट दिन भर में इतना ज्यादा आराम और इतना ज्यादा सेडेंटरी रहने के लिए हमारी बॉडी बनी ही नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी बनी है मूव करने के लिए, कुछ साल पहले चले जाओ आप, कुछ सेंचुरीज पहले चले जाओ, जहां पे इतनी लग्जरीज इतना नहीं होता था, जहां पे ट्रैवल करने के लिए या तो हॉर्स राइडिंग या फिर कैमल राइड या फिर वॉक करके जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, तीनों में एफर्ट्स लगते हैं, हॉर्स राइडिंग में भी एफर्ट्स लगते हैं, यू मूव योर बॉडी, कैमल राइडिंग में भी और चलने में तो ऑब्वियसली लगता है। खाना इतने फास्ट फूड इतने कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं थे, ऑफिस की या फिर काम की बात करो तो बहुत इंडस्ट्रियल एज था, जहां पे हमको वर्क फ्रॉम होम या फिर डिजिटल या फिर वर्चुअल नहीं था कुछ, फिजिकली एक क्लाइंट मीट अगर होता तो एक जगह से दूसरी जगह, सेल्स वालों को फोन पे नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाके सेल्स, हर एक चीज में फिजिकल इफेक्ट बहुत होते थे। और अगर आप कुछ साल पहले चले जाओगे तो खाने के लिए हंट करना पड़ता था, फिर उसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए चल के जाना पड़ता था, माउंटेन्स क्लाइंब करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, बट जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है आगे होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिस वजह से बहुत सारी डिजीज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, बिकॉज वी डोंट मूव इनफ, इतना हम चलते ही नहीं है। आजकल चलाने के लिए हमको मोटिवेशन भी दिए जा रहे हैं बट स्टिल हम लोग इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे, वी हैव ट्रैकर्स जो हमको बोलते हैं कि 10,000 steps चलो, व्हाई डू दे से दैट, व्हाई डू गोकी से कि आपको 10,000 steps चलने हैं कम से कम, बिकॉज
इट्स अवर प्राइमरी थिंग टू वॉक. इतनी फिजिकल एक्टिविटी होना ही चाहिए, इतने स्टेप्स हमारे होने ही चाहिए, विच शुड बी विच विच विल इनफैक्ट हेल्प अवर हार्ट. हार्ट हेल्थ बढ़ी रहेगी और बाकी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे. इतना सेडेंटरी आपको नहीं रहना है. और 10,000 स्टेप्स क्यों बोला गया? बिकॉज आप दिन भर में थोड़ा 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 कुछ ना कुछ चलते रहोगे, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहोगे, तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको 10,000. ऐसा नहीं बोला गया कि 2 घंटे के अंदर 10,000 करो या 3 घंटे के, ऐसा टाइम फ्रेम नहीं गया. 24 आवर्स में करो पूरा. थोड़ा सुबह चल लिया, थोड़ा आफ्टरनून, थोड़ा इवनिंग, थोड़ा नाइट, दो दो तीन तीन हजार आप स्प्लिट करके भी ले सकते हो, ताकि सिर्फ ऐसा ना हो कि आधा घंटा वर्कआउट कर लिया और 23 घंटे बस पड़े हुए बेड पे. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज आप कर रहे हो, अग्रीड, मसल एक्टिवेशन, ब्लड फ्लो, एवरीथिंग इज इम्प्रूव. बट वेन यू हैव योर लंच, वो लंच का खाना आपके सेल्स तक कैसे पहुंच रहा है? वेन यू हैव प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन. तो आधा घंटा वर्कआउट किया, थोड़ी देर तक ब्लड फ्लो अच्छा था, बट आप सेडेंटरी हो गए तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है. फिर इफ यू कीप एक्टिव थ्रू आउट द डे, मतलब दिन भर एक्सरसाइज भी नहीं करना, थोड़ा सा हर 1 घंटे में उठ के 5 मिनट वॉक कर लो, वॉक अराउंड द ऑफिस प्रमाइसेस इफ यू आर इन ऑफिस. अभी तो नहीं होंगे, घर में होंगे तो घर के प्रमाइसेस में आप हॉल से बेडरूम, बेडरूम से किचन, थोड़ा सा आप मूव कर लो, 2-3-5. ट्रैकर देखो, हर 1 घंटे में उठो 300 स्टेप्स मुझको लेना है. एवरी आवर गेट अप 300 स्टेप्स यू कैन टेक, राइट? यूज योर ट्रैकर. ट्रैकर नहीं है आपके पास, फोन सेंसर यूज करो कि हर 1 घंटे में मुझे 300 स्टेप्स लेना. तो आप हर घंटे अलार्म लगा सकते हो इनिशियली, जब तक हैबिट नहीं बनती है, और हैबिट बन गई तो वेरी गुड. एवरी आवर गेट अप एंड टेक 300 स्टेप्स. हो रहे कि नहीं, 300 स्टेप्स चलना बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 या 3 या 5 मिनट लगेगा हार्डली, ठीक है? एवरी आवर यू डू, तो 8 घंटा अगर आप पूरा काम कर रहे हो तो 2,500 से 3,000 आपके स्टेप्स ऐसे ही हो जाते हैं घर में बैठे बैठे. सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल हैक विच यू कैन डू इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ एक्टिव, ठीक है? तो ये सबसे पहली चीज आप कर सकते हो. सो आधा घंटा एक्सरसाइज करना इज गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो लंच आप खा रहे हो वो भी आपके सेल्स तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए थोड़ा मूवमेंट होना जरूरी है. डिनर आप खा रहे हो वो आपके सेल्स तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए मूवमेंट होना जरूरी है. नाउ दिस अगेन डजंट मीन कि लंच आपने खाया एक्सरसाइज करने लग जाओ ताकि पहुंचो, डिनर खाया नहीं, वैसा नहीं. बेसिक मूवमेंट, हल्की सी भी आप वॉकिंग करोगे, आपका मसल एक्टिवेशन हो रहा है, बॉडी का ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है, ताकि आप जो खा रहे हो वो प्रॉपरली आपके सेल्स तक ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है. दैट इज द की थिंग, ठीक है? सो स्टेप्स इज द वन ऑफ द बेस्ट वे विच यू कैन डू, कि दिन भर में आप इतने हर 1 घंटे में इतने इतने स्टेप्स आप लो, ताकि आपको पता चले कि दिन भर में कितने स्टेप्स हुए हैं. एवरी आवर इफ यू, जरूरी नहीं 300, मैंने एक टारगेट दिया, आप उससे कम भी रख सकते हो, बट आई वुड से आप उससे ज्यादा रखो, 500 रख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? घर में तो हो, घर में ही वॉक करना है, राइट? इफ यू हैव किड्स, प्ले विथ योर किड्स, ठीक है? प्ले विथ योर किड्स विच इज अगेन अ वेरी एक्सरसाइज ही आप बोल सकते हो. बच्चों के साथ खेलना कोई खेल मैंने कि कोई छोटी बात नहीं है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट. आप बच्चों को अगर पीठ पे बिठा के अगर क्रॉल कर रहे हो, या फिर बच्चों को गोद में लेके चल रहे हो, या फिर आप उनके साथ कुछ स्पोर्ट खेल रहे हो, इंडोर स्पोर्ट ऑब्वियसली, या फिर आप कोई और फोन का गेम नहीं खेलना है आपको, इंडोर स्पोर्ट जैसे कि घर में अगर जगह है तो बैडमिंटन टाइप, या फिर बॉल से कैच कैच, या ऐसा कुछ आप खेल रहे हो, तो अगेन आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी इंप्रूव होती है. स्टेयर वर्कआउट आप कर सकते हो, बट आई वुड से कि स्टेयर पे आप मत जाओ. इन केस अगर आप जा भी रहे हो तो डोंट टच एनीथिंग, सिर्फ आप अपने शूज पहन के आपको नीचे जाना है, और शूज पहन के ऊपर, उतना ही ऊपर नीचे, इस चीज को अवॉइड करो. बट इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपके घर में बच्चे भी नहीं है आप, या फिर आप सिर्फ आप और आपके आपके फैमिली मेंबर्स है, या फिर आप अकेले रहते हो, चांसेस है कि अकेले, तो इन सच केसेस यू कैन डू दैट कि आप थोड़ा सा स्टेयर के पास जाके, अगर बच्चे वगैरह है घर में और भी लोग हैं तो उनके साथ आप ग्रुप वर्कआउट कर सकते हो, साथ में थोड़ा फिजिकल. कुकिंग में हेल्प करो, दिस इज अगेन अ हेल्प, हेल्प भी हो रही है और हेल्थ वाइज भी इट इज वेरी गुड. आप फिजिकली एक्टिव हो, कुकिंग करने में हेल्प कर रहे हो, नई चीज सीखने भी मिल रही है आपको. थोड़ा सा ऐसे नहीं कि घर का पूरा खाना आपको ही बनाना है, बट थोड़ा सा हेल्प आप कर सकते हो सब्जी काटने में, या फिर कुछ और कुकिंग में, तो वो भी थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी. इसके अलावा बेस्ट एक्टिविटी आपको बोलूं, बेस्टेस्ट बेस्ट एक्टिविटी, मॉपिंग खुद करो घर की, ठीक है? झाड़ू लगाना और पोछा लगाना खुद करो. ट्रस्ट में, सुनने में आपको शायद थोड़ा वियर्ड और थोड़ा अलग लगता होगा, बट वेन यू डू इट आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी लगती है और कितना एफर्ट्स लगता है ये चीज करने में. पूरे के पूरे हेड टू टो पूरे के पूरे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. इफ यू डूइंग विद योर मॉप, या अगर आप हाथ से कर रहे हो तो और ज्यादा एफर्ट, मॉपिंग से कर रहे हो तो अगेन योर बैक मसल्स, आर्म मसल्स, लेग मसल्स, लोअर बैक मसल्स, एवरीथिंग इज वर्किंग. तो ये भी अपने आप में एक एक्सरसाइज, तो हाइजीन भी हो रही है, क्लीनलीनेस भी हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द हैक विच यू कैन डू इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ फिट एंड एक्टिव घर में रहते हुए ही, ठीक है? इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो कि लैपटॉप में आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, कोई ऐसी जगह पे लैपटॉप रखो जहां पे आप खड़े रहकर काम कर सकोगे. बैठ के सोफा पे, बेड पे लेट के काम मत करो, खड़े हो जाओ कहीं पे. अगर आपके पास कोई शेल्फ है, कुछ है जहां पे लैपटॉप रख दो और खड़े रहकर काम करो, वो आप कर सकते हो. अगर वो भी इजिली हो पा रहे हो तो एक पैर पे खड़े रहो, स्टैंड विथ वन लेग एंड अदर लेग, एक सो इंस्टेड ऑफ यू कैन स्टैंड एंड टाइप. अगर ये बहुत इजिली हो रहा है तो एक पैर ऐसे रख के आप उस पर
करो, ये भी ट्राई करो, इससे बैलेंसिंग भी बढ़ेगी और फिजिकली आप एक्टिव भी हो। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे हैक्स है जो आप कर सकते हो अपने आप को फिट रखने के लिए अपने घर में ही, राइट। सो इन चीजों का, बातों का ख्याल रखिए, इन चीजों को आप इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि ना ही सिर्फ आधे घंटे की एक्सरसाइज, वो तो करना ही, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू स्टे फिट एंड हेल्दी एंड एक्टिव, सो दैट वॉट एवर यू ईट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड एंड इज गेटिंग एब्जॉर्ब प्रॉपरली बाय योर बॉडी, एंड आपका ओवरऑल फिटनेस लेवल बढ़े। और द ब्यूटीफुल थिंग इज कि आप ये चीजें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी कर सकते हो, उनको भी करवा सकते हो। बच्चे हैं तो उनको अभी से आप सिखाओगे कैसे आपको दिन भर एक्टिव रहना है, राइट। बच्चे तो ऑलरेडी होते ही है, बट व्हेन दे सी यू डूइंग इट तो वो और जल्दी सीखते हैं। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट इज अबाउट व्हाट यू डू। तो वो जो देखते हैं वो सीखते हैं, और वो उनको ज्यादा दिमाग में रख के उसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से उसको सीखते हैं, एंड दे ट्राई टू फॉलो एंड ट्राई टू कॉपी, और उनके दिमाग में हमेशा रहती है वो चीज, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, डॉक्टर सुप्रिया की क्लास स्टार्ट होने वाली है 11 बजे। उनका टॉपिक है सैनिटाइजर्स वर्सेस सोप एंड वाटर, ठीक है। सैनिटाइजर्स अच्छे होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वर्सेस सोप एंड वाटर, पानी से साबुन से हाथ धोते हैं वो बेटर होता है या फिर सैनिटाइजर बेटर होता है, आप इसके बारे में सीखेंगे डॉक्टर सुप्रिया से। सो फाइन, लेट मी गो थ्रू सम कॉमेंट्स एंड देन वी कैन साइन ऑफ, वी आर डन विद द क्लास। सर यस, ये बातें आपने सही बोला, घर पे बैठकर कैलोरीज इनटेक पैक रियली रेडीमेड अनहेल्दी फूड की कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है, यस दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। सहेल जी हेलो, लिटिल लेट। भारती जी हेलो, लिटिल लेट बट आई एम ग्लैड यू जॉइंड इन। इन ट्रैकर ऑनली यू कैन कीप रिमाइंडर, यस यू कैन, बट जिनके पास ट्रैकर नहीं है वो लोग फोन में यूज कर सकते हैं। प्रदीप जी थम्स अप, यू कैन डू स्ट्रेचेस वर्कआउट्स ग्रेट, स्ट्रेप ऑन कंप्लीट विद स्टेप्स विद बैक टू बैक डांस ग्रेट। प्रदीप जी एज अ ट्रेनर आई शुड डू इट ग्रेट। अर्चना जी सर अभी तो मेड भी लीव पर है बिकॉज ऑफ कोरोना, इज डूइंग यस, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस, राइट। मेड नहीं है तो अभी खुद आपको करना पड़ रहा है, तो डोंट टेक इट एज अ बर्डन और एन एक्स्ट्रा वर्क, टेक इट एज एन इंटरेस्टिंग थिंग, जहां पे आपकी फिटनेस लेवल और ज्यादा इंप्रूव हो रही है, फिटनेस लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़ेगी, यू आर गेटिंग अ चांस टू स्टे फिट बाय योरसेल्फ, है ना। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड करिए क्लीनिंग। आपके अगर हस्बैंड है या फैमिली मेंबर्स है तो उनसे भी करवाइए कभी कभार, एक बार आप कर लो, एक बार वो, दो तीन बार क्लीनिंग कर लोगे चलेगा। हाँ, पानी ऑब्वियसली वेस्ट नहीं करना, बट ड्राई मॉपिंग या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप, जिससे कि क्लीनिनेस और हाइजीन भी मेंटेन रहे और उनकी भी एक्टिविटी हो, आपकी भी हो। अर्चना जी ने थम्स अप दिया, ग्रेट। सो गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कल सुबह 10:30 बजे, 10:30 AM इन द मॉर्निंग टुमारो। एंड अभी 11 बजे एज अ सेट कोच डॉक्टर सुप्रिया की क्लास है, डॉक्टर परमजीत जी की क्लास है, उनकी क्लास भी देखिए, डॉक्टर अश्विन की क्लास है 7:30 बजे। कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारे कोचेस अपार्ट फ्रॉम यू कंडक्ट क्लासेस, उनको कीप ले, घर में रहते हुए क्वारंटाइन में आप अपने आपको कैसे फिट एंड एक्टिव रख सकते हो वो भी आप सीख सकते हो, उनसे एक्सरसाइजेस कर सकते हो, उनको देख के लाइफ, है ना। सो स्पेंड सम मोर टाइम ऑन गो कीप ले एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। We have one more minute. If any questions, please ask before we sign off. Great workout, Arshana ji. Awesome. So, एक और चीज आप घर में कर सकते हो विथ रिगार्ड्स टू न्यूट्रिशन, इसके ऊपर मैं क्लास कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। घर में ही अगर आप हो तो ट्राई टू डू फास्टिंग, ठीक है। इट्स अ बेस्ट वे एंड बेस्ट सिचुएशन यू आर इन टू डू फास्टिंग। इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, कैलोरी इनटेक भी कम रहेगा और डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत अच्छे से होगा। तो फास्टिंग आप कर सकते हैं, आई ट्राई टू कंडक्ट अ क्लास ऑन दिस वेरी सून, बट फिलहाल के लिए ड्राई फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई करो एटलीस्ट वंस अ वीक। स्टार्ट विद 12 आवर्स, बहुत अच्छे से हो रहा है, 16 तक कर लो, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट क्लास और इन द अपकमिंग क्लासेस वेरी सून। ग्रेट जी, थैंक्स प्रदीप जी, ग्रेट। सो आई थिंक वी शुड साइन ऑफ। जैसे ही क्लास खत्म होगी अभी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का, तो क्लास को रेट भी कर दीजिए और रिटर्न फीडबैक भी दे दीजिएगा। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास वो भी लिख सकते हो, एनी सजेशंस इफ यू वांट मी टू कंडक्ट अ क्लास ऑन स्पेसिफिक टॉपिक वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10:30 बजे विद अनदर क्लास। सो टिल देन ख्याल रखिए, घर के बाहर मत निकलिए, ठीक है, अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मत निकलिए, बट प्रिकॉशंस के साथ, सैनिटाइजर और घर में आते साथ हाथ धोना है आपको, और क्राउडेड प्लेस में तो बिल्कुल क्राउड तो अभी शायद होगा भी नहीं, बट स्टिल यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। एंड ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे मुंबई में अभी फिलहाल बंद हो गया है, विच इज अगेन अ ग्रेट मेजर, ग्रेट स्टेप, राइट। सो स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव एंड टेक केयर ऑफ योर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करो,
and I'll see you tomorrow. Till then, have a great energetic afternoon and be the force.